अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशा ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी आज मैं बनाने सिखाऊंगी आपको घर में शीट मास्क, और उसका रिज़ल्ट होगा बिल्कुल महंगे वाले शीट मास्क की तरह। आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, आपको खुद फील होगा कि आपके पोर्स एक ही बार से इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट देंगे, पोर्स क्लोज हो जाएंगे और आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा। तो सबसे पहले हमने प्रिपेयर करना है फ्लैक्स सीड जेल को। उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपने लेना है फ्लैक्स सीड्स। 1 से 2 टेबलस्पून आप फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए वाटर 1 कप। एक जो पहले आप नोज़ की जगह छोड़ेंगे और उसके बाद आईज़ की, बाकी जो स्टैंडर्ड साइज़ है फोरहेड से नोज़ तक का वो 7 to 8 है, आप अपने हिसाब से मेजर करके निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद आपने 2 इंच छोड़ने के बाद आपने लिप्स के लिए निशान लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई को ड्रॉ कर रही हूँ। एक साइड ड्रॉ करेंगे, डबल कटिंग करेंगे तो दोनों साइड पर कटिंग हो जाएगी। ये हमारा नोज़ का निशान हो गया, नोस्ट्रिल्स के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, और ये हमारा लिप का निशान हो गया जिसको हम अभी कटिंग कर लेंगे। शेप देते हुए फेस के हिसाब से शेप दे लीजिए, राउंड शेप देनी है या ओवल शेप देनी है या अपने हिसाब।
फ्लैक्सीड जेल तो हमारा रेडी हो रहा है, हम सेकेंड इंग्रेडिएंट को रेडी कर लेते हैं। हमें निकालना है एलोवेरा का जेल और ये हो गया है रेडी एलोवेरा का जेल। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करना है। तो अब हो गया है हमारा फ्लैक्सीड जेल भी रेडी, तो हम इसको निकाल लेते हैं। आपका जो बैग का बाकी बचा हुआ पीस है या बाकी थोड़ा सा कपड़ा बचा है तो मलमल का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं उसी में करूँगी, उसी से जेल इजीली निकल जाएगा और आप देख भी लेंगे कि वो कितना मजबूत है और आपके फेस पर टिका रहेगा और आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देगा। ये हमारा हो गया है रेडी फ्लैग सीड जेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना एलोवेरा जेल जो हमने निकाला था। फ्लैग सीड जेल की जो क्वांटिटी है वो आपने एलोवेरा से कम रखनी है, मतलब ये कि अगर आपका फ्लैग सीड जेल 1 टेबल स्पून है तो आपने एलोवेरा जेल का 2 टेबल स्पून लेना है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लैग सीड जेल की डबल क्वांटिटी में आपने एलोवेरा जेल को लेना है। उसके बाद जो शीट मास्क है मैंने कटिंग किया हुआ है उसको आपने तय लगा कर आइस से आइस मिलानी है। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है ताकि इस तरह अगर आप करेंगे तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो यह बहुत इजीली ओपन होगा। Thank you.
आपने इसको वॉश करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो मत लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।